माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम राइट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट इज अ वेरी लाइफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लाइफ. ओके, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो आई एम टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट विद, इफ ए पर्सन रनिंग इन ए टी स्टॉल अर्न्स 300 रुपीज इन वन डे, then how much will he earn in 10 days? एक कोई पर्सन है जो टी स्टोर को चलाता है, चाय बेचता है, और उस वो 300 रुपीज को वन डे में अर्न करता है. इन देन हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 दिन में वो कितना उसको अपना जो मनी है वो कमा पाएगा. सो सोल्यूशन इज हियर, इन वन डे ही अर्न रुपीज 300 एंड 10 डेज ही विल अर्न. जब हमें किसी एक दिन की पता होता है कि अर्न कितना कमाता है या एक दिन की वैल्यू पता होती है, तो हम उसके मल्टीपल में जितने भी हमको काउंट रखना होते हैं उन दिनों को हम मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट को पता कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जो पर्सन था ये एक दिन में कमाता था 300 रुपीज, तो हमें निकालना है 10 डेज का. तो 10 डेज का क्या कर सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर पर दिन के हिसाब से काउंट कर सकते हैं. जैसे एक दिन में 300, तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा 600, तीसरे दिन 900, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा. लेकिन आप एड ना करके सीधे आप जितना हमें चाहिए उसका हम टोटल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारा कितना हो जाएगा 300 × 10. 10 डेज बोला है तो 10 डेज में पर दिन का इतना है, तो 10 डेज में इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आया वो 300 रुपीज, यानी वो 10 डेज में 3000 रुपीज को अर्न करेगा. ओके, यानी 10 डेज ही विल अर्न 3000 रुपीज. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ 8 मूवी इज इक्वल टू रुपीज 400 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच मूवी टिकट. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मूवी टिकट की जो वैल्यू है वो है 400 रुपीज. जो कॉस्ट है 8 मूवीज की वो है इक्वल टू 400 रुपीज, सब टैक्स वगैरह मिला के. फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच मूवी टिकट, तो एक मूवी टिकट की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमें पता करना है. तो सोल्यूशन इज हियर, हम सबसे पहले लिख लेंगे 8 मूवी टिकट कॉस्ट कितनी है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 रुपीज. अब हमको पता करना है कि एक मूवी टिकट के क्या कॉस्ट होगी. तो जब भी मैंने आपको ए ट्रिप टू भोपाल में भी या इस प्रीवियस कोर्स जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था, जब हमें किसी एक टोटल अमाउंट की वैल्यू दी होती है और किसी एक की हमें वैल्यू पता करना होती है, तो टोटल अमाउंट में हम उन वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें एक या इच की हमें जो कॉस्ट होती है वो हमें मिल जाती है. तो 8 यहाँ पे लिखा है 8, तो यहाँ पे हमारा कितना है 400, तो हम 8 का डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट में, तो हमारा कितना हो जाएगा, वन मूवी टिकट की कॉस्ट हमें पता लग जाएगी. तो हम कर देंगे यहाँ डिवाइड 400 डिवाइडेड बाय 8, 8 का हम टेबल जानते हैं, 8 से हम काटेंगे 5 बार, तो 5 × 8 = 40, तो हमारा ये आंसर जाएगा 40 रुपीज. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आप एप्लीकेशन बेस्ड पे आपको ये चीजें पता लग गई होंगी. इसी तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और आने वाली क्लासेस में हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको करवाएंगे.